पंजाब में किसानों की मुसीबतें नहीं हो रही कम। खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टर आढ़तियों से मिलकर किसानों को कम रेट देकर कर रहे हैं गुमराह। किसानों ने बटाला की दाना मंडी में किया रोष प्रदर्शन। किसानों की मांग, बिना कटौती के सरकार के तयशुदा रेट से कम नहीं बेचेंगे अपनी फसल। पंजाब के किसानों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। केंद्र सरकार ने सभी खर्च जोड़कर किसान की फसल का रेट तय किया हुआ है, लेकिन खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टर किसानों को गुमराह कर तयशुदा रेट से कम रेट दे रहे हैं, जिससे गुस्साए किसानों ने बटाला की दाना मंडी के बाहर रोड जाम लगा दिया। एजेंसी अधिकारी आढ़तियों से मिलकर किसानों को लूट रहे हैं, जबकि गुरदासपुर जिले के एडीसी ने मंडी में पहुंचकर बिना किसी कटौती के तयशुदा रेट पर फसल बिकवाई, लेकिन उनके जाते ही खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टर ने तानाशाही करते हुए किसानों की फसल पर 100 से 200 रुपए तक की कटौती लगाकर फसल को खरीदना शुरू कर दिया। जिन किसानों ने विरोध किया उनकी फसल नहीं खरीदी, जिससे गुस्साए किसानों ने खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टरों के खिलाफ मेन रोड पर रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि नीचे से लेकर ऊपर तक भी आपस में मिले हुए हैं, वरना इंस्पेक्टरों की क्या हिमाकत है कि हमारी फसल पर कटौती लगाए। उनकी मांग है कि बिना कटौती के सरकार के तयशुदा रेट से कम वे अपनी फसल नहीं बेचेंगे। सरकार ने साडे नाल वादा किया कि असी 1509-1450 रुपए ना लवेंगे, तो बाकी भी जड़िया खरीदा 1500 जड़िया भी बासमतियां ने 1509 होगी, देवगढ़ होगी, सरबती होगी, 1450 रुपए देंगे। पर जदों ये मंडी में किसानों ने जाके इंस्पैक्टर गल की तो इंस्पैक्टर कहते भी असी ले लाई नहीं सकते, तो वह की करते हैं कि एक मंडी नाल वो एक एक ढेड़ी 1450 रुपए लेंदे आ, तो तीन ढेड़ियों में लेंदे भी इहदी जिहड़ी शर्तां जो पूरी नहीं, फिर एक लेंदे क्योंकि उन्होंने कमीशन लेने आ, उन्होंने कमीशन लैके किसानों को गुमराह कर रहे हैं भी एक ढेरी का वो 1450 ला देंदे आ, बाकी कहंदे भी निजमां च नहीं, पांच ढेरियां निजमां च नहीं आउंदियां, फिर एक ढेरी ला देंदे आ, फिर उस तो बाद फिर पांच ढेरियां ला, जिहड़ी इह लुट कसुट किसानां दे नूं कर रहे आ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ कि 1450 तो थले कोई दाना नहीं खरीदया जाऊगा। इतने 1250 रुपया रेट लगा शुरू होया और किसान की बड़ी वड्डी पद्धर ते लुट हो रही है। असी फिर इतने ट्रैफिक जाम किया, इतने एडीसी गरेवाल आया गुरदासपुर का, उन्हें साढ़े न कमिटमेंट की कि आओ मैं 1450 रुपये तो रेट दवाना, जदों के 5-7 ढेरिया का रेट 1450 लगा, तो जिहड़े खरीदण वाले इंस्पैक्टर ने यह रले हुए आ, ये आढ़तियां नाल कमीशन लैंदे आ, दूजियां नाल रल के ते किसान दी लुट जिहड़ी आ करदे आ, उत्थों उन्होंने रेट घटाते शुरू करता। असी फिर दोबारा इत्थे किसानां दी एकता करके किसानां नूं लै के धरने ते बह गए आ। प्रशासन की मिली भुगत है, ये वड्डे पद्धर ते जिहड़े आ इंस्पैक्टर जिहड़े आ रले होए आ, अपनी कमीशन लैंदे आ, अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार ने जब सभी खर्च जोड़कर किसानों की फसल का रेट तय कर दिया हुआ है, तब ये खरीद एजेंसियों के इंस्पेक्टर आढ़तियों से मिलकर किसानों के खून पसीने की मेल को दिमक के तिलक अब तक खोखला करते रहेंगे। जागती लहर के लिए गुरदासपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट।